أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, दुरूद सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीन और हमारे जूम ऐप मीटिंग क्लास को अटेंड करने वाले नाजरीन और दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, तमाम भाई जो देख रहे हैं, इसको शरीक हो रहे हैं, इन सब के लिए हमारा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इस मौके पर हम मसले की तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ाले मुनकरात की जानिब से, हैदराबाद की जानिब से जूम ऐप मीटिंग क्लासेस का ख़ास कर बच्चों के लिए एहतमाम किया जा रहा है कि अखलाक़ी तरबियत और माँ बाप की खिदमत, इंसानी खिदमत, वालिदैन के हुकूक़ और हुकूक़ुल इबाद, इंसानी खिदमत, बुराइयों से कैसे बचा जाए और इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब की नज़री यानी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है, लेकिन इस्लाह मुआशरा की जानिब से उलमाए कराम, तमाम मकतब फ़िक्र के और दानिश्वरान ने इसको बेहतरीन किताबों से, इन्हीं अकाबरीन की जमातों से, जमातों के अकाबरीन से तैयार करता है ये निसाब। इससे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिमॉन्स्ट्रेशन का तरीक़ा यानी इस्लाम को किस तरीके से अमली तरबियत से बच्चों को यानी कि उनको तरबियत दे दी जाए, वालिदैन की तरफ से तरबियत दी जाए, टीचर्स, इमाम, हाफिज साहब, मौलाना और तमाम ये लेक्चरर्स स्कूलों में, हाई स्कूल में, कॉलेज में और इसके साथ साथ ये अखलाक़ी तरबियत मस्जिदों में, दीनी मदरसे में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ अगर बच्चों को तरबियत दे दी जाए तो ये बच्चे बाअमल निकलेंगे, बाअखलाक निकलेंगे, बाकिरदार निकलेंगे। लिहाजा ये सिलसिला अखलाक़ी तरबियत का चल रहा है तो ये अखलाक़ी तरबियत का जो सिलसिला है ये सब अखलाक़ी बातें इसके अंदर जमा की गई हैं। इसका प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों से चल रहा है। ये प्रैक्टिकल हमारे पास जो प्रैक्टिकल है, इससे पहले सेलफोन को मना करने के बारे में था,